छठा प्रश्न देखते हैं कैसे बना है। लिखा है 1.5 मीटर लंबा, यह लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लड़का है जो लड़के का हाइट जो है 1.5 मीटर दिया हुआ है और एक जो है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लीजिए घर है, उससे 30 मीटर जो है कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना दूरी पर खड़ा है ये नहीं मालूम है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जो ऊंचा भवन है उसको उसकी ओर ये जा रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए खड़े हैं वहाँ भवन है, यहाँ से देख रहे हैं तो 30 डिग्री कोण बन रहा है, जब कुछ दूर जाने के बाद तब देखते हैं तो 60 डिग्री कोण बन जा रहा है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो 30 का बन रहा है, कुछ दूर यहाँ गए हैं, यहाँ देख रहे हैं तो 60 का बन जा रहा है। तो कितना दूर हम लोग गए हैं यही हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम बनाते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, तो ये कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचा भवन है। मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे बनाते हैं भवन, ये हम लोग का ए और ये हो जाएगा बी। ये भवन कितना मीटर ऊंचा हुआ है, ए बी, ये भवन का जो है 30 मीटर ऊंचा है, मतलब इसकी जो लंबाई जो दिया है 30 मीटर दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हम लोग का जो है नीचे वाला हिस्सा, ये मान लीजिए कि जमीन हो जाएगा, ये वाला हम लोग का ये जमीन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा सी, और इसको मान लेते हैं डी, और इसका हाइट कितना दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ है, इसका हाइट दिया है। अब इसके यहाँ कह रहा है जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से, यहाँ ये ना आँख होगा तो यहाँ से मान लीजिए इसकी दूरी तक, यहाँ तक मान लेते हैं ए बी, और इसको मान लेते हैं ई, मान लेते हैं सी डी ई हो गया है। ये इसका चित्र बना रहे हैं, अभी भवन की ओर जाता है और 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। जब यहाँ से जब देख रहा है इसका तो ये हम लोग का हो जा रहा है 30 डिग्री, यहाँ से जब देख रहा है तो यहाँ पे कोण बन रहा है 30 डिग्री का। लेकिन कुछ दूर जब चल कर जा रहा है, मान लीजिए ये लड़का यहाँ से यहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला गया, ए बी सी डी ई हो गया, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, तो यहाँ पे चला गया, यहाँ से जो है कोण बन रहा है कितने का, यहाँ से जो इसका कोण बन रहा है वो हम लोग का 60 डिग्री का हो जा रहा है। लिखा है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग का 60 डिग्री का कोण बन जा रहा है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, देखिए लड़का ये लंबा है, जब यहाँ जितना लंबा होगा तो ये लड़का यहाँ भी जाएगा तो यहाँ भी 1.5 मीटर लंबा रहेगा, और यहाँ भी हम लोग का 1.5 मीटर ही लंबा लड़का रहेगा। यहाँ हर जगह इसका दूरी क्या रहेगा, जो हाइट रहेगा वो एक जैसा रहेगा, समान रहेगा। जब वो ऊँचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से जब ये भवन, ये हम लोग का ए बी है, जाता है, तब उसकी आँख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से, यहाँ 30 था अब 60 हो गया है। बताइए कि वो दूरी की ओर कितनी चल कर गया है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तो कुछ दूर चल गया है, अब कितना दूर गया ये हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है उसको मान लेंगे लोग एक्स। फिर यहाँ से भी कुछ दूर यहाँ पर गया है तो ये भी नहीं मालूम है, तो इसको मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं यहाँ पे, वाई। ये हम लोग का अब चित्र बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक वाई है, इसी एक्स और इसी वाई का मान हमको निकालना है। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गया है, एक त्रिभुज बन गया हम लोग का त्रिभुज ए ई और एफ, यहीं तक हो जाएगा ए ई एफ, ये वाला हो जाएगा, और एक त्रिभुज ए ई और सी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है उसकी आँख से, आँख आँख का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर मतलब यहाँ सी होगा और यहाँ एफ होगा और यहाँ पे ई होगा, नहीं ना होगा, तो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं। अगर यहाँ आँख से नहीं लिखा होता तो हम टोटल ए जी और डी लेते, लेकिन ये आँख कह रहा है इसलिए आँख कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें किसका किसका मान दिया है, पहले हम लोग को इसका देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान नहीं दिया है, यानी कि ए ई का मान हम लोग को नहीं दिया है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया है 30 मीटर, ए से लेकर बी का दूरी कितना दिया है 30 मीटर दिया है, और इस ई बी का मान भी 1.5 मीटर दे दिया है, लेकिन ये ए ई का मान नहीं दिया है, तो हम इसी ए ई का मान पहले निकालते हैं। तो यहाँ निकालेंगे, लिख देंगे यहाँ पे ए ई, ए ई का मतलब
इस पूरे बड़े वाले में जब छोटे वाला घटाएंगे तो यही बचेगा, यानी बड़ा वाला क्या है ए बी है और छोटा वाला क्या हम लोग का ई बी है, घटाएंगे तो ए बी का मान दिया हम लोग का 30 और माइनस ई बी का मान दिया 1.5, घटाएंगे लो, दशमलव घटाना सबको आना चाहिए। यहाँ देखिए 30 में से हम घटाना है कितना 1.5 घटाना है ऐसे, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, हाँ से लेंगे 10 होगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 2, यानी कितना हो गया 2.8, यानी कि हम लोग का ए ई का जो है मान कितना होगा 28 हो जाएगा हम लोग का 5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि ये हम लोग का हो गया 28.5 मीटर ए ई का जो है ये मान हो गया। अब हम लोग देखिए इसमें दो त्रिभुज लेना है और हम लोग को एक्स का मान और वाई का मान निकालना है कितना कितना आएगा, तो पहले हम वाई का निकालते हैं। तो यहाँ इसके लिए निकालने के लिए यहाँ देखिए ए है, यहाँ ई है और यहाँ पे एफ है, तो ए ई एफ लेंगे, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ई एफ से। पर देखिए क्या क्या दिया है ए ई एफ में, ये हम लोग जो बड़ा वाला है ये ए ई दिया है, तो यहाँ लिख देंगे ए ई और ए ई का मान कितना अभी निकाला है 28.5 मीटर निकाले हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का ई एफ दिया है और ई एफ का मान वाई दिया है, तो यानी कि एफ ई लिख देते हैं और इसका मान लिखते हैं वाई। इस त्रिभुज के लिए थीटा मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर हम लोग हो जाएगा 60 डिग्री, हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये हम लोग का लंब है और ये हम लोग का आधार है, तो लंब आधार किस में होता है, लंब आधार होता है हम लोग का टेन में, इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे टेन लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टेन थीटा और लंब दिया हम लोग का ए ई और आधार दिया हम लोग का एफ ई, सबका मान रिकॉल करेंगे तो यहाँ लिख देंगे टेन और थीटा मान क्या रखना है यहाँ पे हम लोग को 60 डिग्री। अब बराबर ए ई का मान अभी निकला हुआ है 28.5 और एफ ई का मान कितना दिया है वाई दिया है, टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है रूट में 3, अब बराबर ये हो जाएगा 28.5 अब बटा हो जाएगा ये वाई, यहाँ वाई भाग कर रहा है इधर क्या करेगा गुणा करेगा, हम इस वाई का मान निकालना है तो इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा यह भाग कर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा रूट 3 वाई बराबर हो जाएगा 28.5, यहाँ रूट 3 को इधर लाएंगे तो यहाँ गुणा कर दे भाग करेगा तो यानी वाई बराबर हो जाएगा 28.5 अब बटा हो जाएगा रूट में 3। अभी बताएं कि जहाँ भी नीचे कुछ आ जाता है बटा में तो वहाँ से हर पर में गुणा करेंगे, तो यहाँ से रूट 3 अब बटा यहाँ रूट 3 करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, जब गुणा कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा वाई बराबर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 28.5 रूट में 3 और बटा रूट 3 का रूट 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आ इसको 3 से काटेंगे, कटने वाला है कट जाएगा, ये कटेगा 3 एकम 3, इसको काटेंगे 3 से, देखिए ये कटेगा 9 3 27 बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे ये हो जाएगा 15 और 5 3 15, यानी कि हम लोग का वाई का माना जाएगा 9.5 रूट में 3, ये हम लोग का वाई का मान निकल गया। अभी एक्स का मान बाकी है, एक्स का मान निकालने के लिए देखिए एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो कैसे होगा, देखिए एक्स के लिए यहाँ से त्रिभुज हो जाएगा ए ई और पूरा यहाँ से यहाँ तक सी हो जाएगा, त्रिभुज ए ई सी होगा यहाँ से यहाँ तक, लिखेंगे यहाँ पे इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी से, ये ध्यान देना है इसको हम लोग ऐसा नहीं कि त्रिभुज ए एफ सी लेकर हल कर लेंगे, नहीं बनेगा, यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसके लिए भी यहाँ पे हम लोग का त्रिभुज ये हम लोग का ए ई आएगा, तो यहाँ लिख देंगे लो ए ई, ए ई का मान कितना है 28.5 है मीटर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो ये हम लोग का ई है और यहाँ पे सी है, तो ये हम लोग का हो जाएगा ई सी, आ ई सी में क्या क्या होगा, तो ये हम लोग का ये एफ ई होगा और यहाँ पे सी एफ होगा, यानी कि एफ ई प्लस हो जाएगा हम लोग का सी एफ दोनों होगा, यानी कि एफ ई का मान कितना दिया है, एफ ई का मान वाई दिया है और प्लस सी एफ का मान कितना दिया है एक्स दिया है, यानी कि जहाँ पे ई सी लिखा होगा वहाँ पे हम वाई प्लस एक्स लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए ई सी लेंगे तो वहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वाई होगा और ये भी हमारा एक्स होगा, दोनों को जोड़कर लिखना है,
दोनों को जोड़कर इससे त्रिभुज ए ई एफ में बस एफ लेंगे, लेकिन त्रिभुज ए ई सी लेंगे तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और यहाँ देखिए थीटा का मान कितना होगा, तो ये तो इसके लिए था, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए कितना होगा, ये 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे लो 30 डिग्री। अब देखिए ये भी हम लोग का लंब है और ये हम लोग का आधार है, तो लंब आधार किस में होता है, टेन में होता है, तो यहाँ ले लेंगे लो टेन थीटा बराबर लंब दिया हम लोग का ए ई, आधार दिया हम लोग का ई सी, आधार मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मान रखेंगे क्या हो जाएगा टेन, और थीटा मान कितना रखना है 30 डिग्री, और बराबर ई ए ई का मान निकला 28.5 मीटर, और ई सी का मान क्या होगा वाई प्लस एक्स दोनों होगा, यहाँ लिख देंगे टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और बराबर ये हो जाएगा 28.5 और बटा, अभी हम लोग देखिए y का मान निकाले हैं तो यहाँ इसको रखेंगे, तो यहाँ y का मान रख देंगे यहाँ पे 9.5√3 और प्लस ये हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आप, लिख दीजिएगा यहाँ पे y बराबर 9.5√3 रखने पर, जो हमको y का मान निकालना है जो रखे हैं आप, लिखना पड़ेगा तब तो हम समझ में आएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1/√3 हो जाएगा बराबर, एक काम करते हैं इसे गुणा कराते हैं, यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, जब इसका इसमें एक में गुणा होगा तो इतना ही रहेगा, यानी कि ये 9.5√3 आ प्लस एक्स हो जाएगा आ बराबर, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 आ रूट में हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। हमको एक्स का मान निकालना है तो ये यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, यहाँ लिख देंगे लो x बराबर 28.5 और रूट में 3 और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ गुणा नहीं कर रहा है प्लस माइनस हो रहा है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 9.5 और रूट में 3 है, इसको अलग कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा x बराबर, इसको घटाना है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, घटेगा नहीं ये तो ऐसे लिख देंगे, और इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ देखिए हमको घटाना है 9.5 घटाना है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0.5 हासिल लेंगे, 18 में से 9 घटेगा तो 9, यहाँ बचेगा 1, यानी कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 0.5 के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा हम लोग का 19 और रूट में हो जाएगा ये 3 मीटर, तो ये हम लोग का x का भी मान निकल गया।